मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MNC न्यूज इंडिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया से जुड़े फेसबुक अकाउंट के बारे में। मुमताज साहब, MNC न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मुमताज साहब, कांग्रेस हामी लोगों को फेसबुक से हटा दिया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आप कह रहे हैं, दरअसल लोगों को नहीं हटाया गया है, वो पेजेस हटाए गए हैं। लोगों को फेसबुक कैसे हटा सकता है? कांग्रेस के हामी हों या BJP के हामी हों या जो भी हैं, वो तो मौजूद हैं। पेजेस हटाए गए हैं और उनकी तादाद, चूँकि मैंने ही खबर लिखी है और तमाम खबरें चल रही हैं कि तकरीबन 687 पेजेस जो हैं, जो कांग्रेस के हामी हैं, उनको हटा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इससे एक हलचल तो थी। कल तमाम मीडिया में रहा, खुद कांग्रेस से जब सवाल किया गया तो उसने भी इसके बारे में बात की, लेकिन कांग्रेस ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि ये पेजेज उनके हैं, जबकि तमाम मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के हैं। और इसकी वजह ये है कि खुद फेसबुक ने ये कहा है कि प्रिंसिपल अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के हामियों को हटाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो वजह होगी कि जिसकी वजह से ये पेजेस हटाए गए हैं, उसकी वजह भी फेसबुक ने बयान की है। फेसबुक ने ये कहा है कि दरअसल इसमें जो कंटेंट होता था, जो मवाद होता था, वो ज़्यादातर फेक होता था, फर्जी होता था, और इसकी बुनियाद पर हमने इसको हटाया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम लगे कि वो फर्जी डाटा देती है फेसबुक पर या किसी पर भी लगे, तो वो कैसे कहेगा कि ये मेरे पेजेस हैं? वो नहीं कहेगा। तो कांग्रेस भी ये कह रही कि वो मेरे पेजेस नहीं है, और इसमें सदाकत भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सदाकत नहीं होगी, लेकिन फेसबुक जो हैंडल करता है, जिसका प्लेटफॉर्म है, उसको ये मालूम है कि कैसे कैसे पोस्ट इसमें आ रही हैं, कैसी पोस्टें आ रही हैं। तो फेसबुक ने ये दावा किया है। कांग्रेस से कल मैंने बात की कि आखिर ये कौन लोग थे कि जिनको रिमूव किया गया है, फेसबुक प्लेटफॉर्म से हटाया गया। तो कांग्रेस ने कहा कि दरअसल ये जिन लोगों को हटाया गया है, ये हमारे लोग नहीं हैं, और हमारे जितने अकाउंट्स हैं वो महफूज हैं, और उसमें किसी किस्म की गलत चीज़ें पोस्ट नहीं की जाती हैं, बल्कि जो भी पोस्ट किया जाता है वो सदाकत पर मबनी होता है, हकायक पर मबनी होता है। मैंने कांग्रेस ने यह भी कहा कि दरअसल मैंने फेसबुक से मांगा था कि अगर आपके पास कोई लिस्ट हो और ये ब्यौरा हो कि क्या क्या चीज़ें पोस्ट की गई थी कि जिनकी बुनियाद बनाकर आपने इन प्लेटफॉर्म से हटाया है पेजेस को, तो उसका भी कांग्रेस का कहना है कि फेसबुक ने कोई जवाब नहीं दिया हमें और कोई भी चीज़ देने से मना कर दिया है। तो कांग्रेस इस किस्म की बातें कर रही, लेकिन कांग्रेस का जो असल कहना है वो यही है कि जिन पेजेस को हटाए गए हैं वो हमारे पेजेस नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस में जो AICC मीडिया शोबे के सेक्रेटरी हैं विनीत पुनिया, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने तो उल्टा कहा कि कांग्रेस के नहीं, दरअसल BJP के पेजेस थे जिनको फेसबुक ने हटाया है। तो ये तो सही है कि कुछ BJP हामियों को भी हटाया गया, लेकिन बड़ी तादाद कांग्रेस हामी की बताई जा रही है, और ख़ुद फेसबुक ने ये दावा किया, इसलिए ये बात कही जा रही है। मुमताज साहब, क्या इसको BJP ने हटवाया है? देखिए, ये कहना कि BJP ने हटाया है, मोदी हुकूमत ने हटाया है या हटवाया है या किसने, ये कहना जल्दबाजी होगी। किसी पर इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी करना ठीक नहीं है, किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, लेकिन मुकाबला तो है। देखिए, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो मेन मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, उस पर कांग्रेस नहीं दिखती है, बहुत कम दिखती है, उस पर BJP ही दिखती रहती है। ऐसे में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बचता है जहाँ पर कांग्रेस या
जो नेशनल मीडिया से नज़रअंदाज की हुई पार्टियां वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीजेपी ने भी किया था 2014 में, अब भी कर रही है। तो सोशल मीडिया पर कंपटीशन तो है, मुकाबला तो है। और ख़ुद बीजेपी ने, मैंने अपने यहाँ जिक्र भी किया है कि ख़ुद बीजेपी ने एक टारगेट भी दिया था अपने लीडरान को कि आपको फेसबुक पर इतने इतने अपने मेम्बर्स बनाने हैं। तो एक टारगेट भी था, ये टारगेट कांग्रेस के पास भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइकर्स, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स आप अपने अकाउंट पर कीजिए। तो सोशल मीडिया पर एक कंपटीशन है। और फेसबुक चूंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया हिंदुस्तान में, आपको हैरत होगी इसरा साहिबा कि तकरीबन 30 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं वो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पर रहते हैं। 30 करोड़, आप समझ रही हैं कि ये, अगर हम ये कह लें कि 120 करोड़ यानी एक चौथाई जो है वो हिंदुस्तान फेसबुक चलाता है, फेसबुक यूज़ करता है। अच्छा, 30 करोड़ का मतलब आप इलेक्शन में समझ रही हैं कि कितनी बड़ी तादाद है। अच्छा, जो फेसबुक चलाता है, देखिए गेम खेलना और बात है, लेकिन जो फेसबुक चलाता है इसका मतलब ये है कि वो बड़ा है, वो छोटा बच्चा नहीं है। फेसबुक का अकाउंट जो है वो कोई बच्चा नहीं चलाता है, बल्कि थोड़ा से एक समझदार जो होता है, जो जानता है फेसबुक क्या है। तो ऐसे में अगर 30 करोड़ का मतलब, अगर उसमें 20 करोड़ भी हम ये मान लें कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे यानी वोटिंग करेंगे, तो अपने आप में ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए मुकाबला इसमें है, ये कोई गलत बात नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने, मोदी हुकूमत ने कुछ ऐसा किया हो कि इसको हटाया जाए क्योंकि इसमें गलत कुछ शिकायतें की हों, ये हो सकता है। क्योंकि बगैर शिकायत के मेरे ख्याल से फेसबुक कोई एक्शन नहीं लेगा। तो हो सकता है कि ऐसी कोई शिकायत हो, लेकिन हम इसको बहुत वसूख से नहीं कह सकते कि मोदी हुकूमत ने या बीजेपी ने कार्रवाई की है। और अब जबकि कांग्रेस कह रही है कि जिन पेजेस को हटाया गया, पेजेस को, वो हमारे हैं ही नहीं बल्कि वो बीजेपी के हैं, तब फिर अब ये कहना बीजेपी अपने ही लोगों क्यों हटाएगी। तो ये कुछ कहना, लेकिन इस पर बहरहाल जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन लोग थे जो फर्जी न्यूज इस पे पोस्ट कर रहे थे। जी मुमताज साहब, क्या इससे इलेक्शन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जैसे कि मेन जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, जब उसमें कोई नहीं है तो जाहिर बात है कि सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है। फिर यूसरा साहिबा, जैसा कि हमने कहा कि 30 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 30 करोड़ लोग शहर के नहीं हैं बल्कि गाँव के लोग भी हैं। अब हम देखते हैं, गाँव में जाते हैं कि लोग अब जो है टीवी नहीं देख रहे हैं, गाँव में भी, गाँव की हालत भी है। अच्छा, बड़ी आसानी भी है, टीवी लेकर के कोई मजदूर खेत थोड़ी जाएगा। पहले लोग रेडियो लेकर के जाते थे, अब वो मोबाइल में, हमने देखा कि गांव में जो एक किसान है वो भी मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि किसान के पास खाने के नहीं, मोबाइल कैसे लेकर बैठा होगा? नहीं, खाने से ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट मोबाइल हो गया है। हर कोई जो है वो अपना एक संसाधन, जिसको कहते हैं कि वसाइल, रखता है टाइम पास के लिए। मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर बैल से खेती हो रही है तो हल में जो है वो मोबाइल टंगा हुआ है, अब वो अपना फिल्म देख रहा है और जोत भी रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें गाँव में भी हो गई। कहने का मतलब ये है कि दिलचस्पी की बात होती है। तो सोशल मीडिया जो है बहुत स्ट्रांग हो गया है, और उस पर जो चीज़ नेशनल मीडिया के ज़रिए नहीं पहुंच पाती यूसरा साहिबा, वो सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचती है। आपने देखा होगा कि जब लिंचिंग इस मुल्क में हो रही थी तो नेशनल मीडिया वाइप कर देता था, यानी वो दिखाता नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया तक हमारे सामने वो चीज़ें पहुँचती थी कि किस तरीके से ज़ालिमाना हरकत की गई और लोगों को मारा गया। इसी तरीके बहुत सारी चीज़ें जो है वायरल हो जाती हैं, आपने सुना होगा वायरल, यानी पूरी दुनिया में फैल जाती हैं चीज़, और एक दिन में फैल जाती है, करोड़ों लोग उसको देख लेते हैं, और फिर नेशनल मीडिया मजबूर हो जाता है उस चीज़ को दिखाने के लिए। तो इसलिए सोशल मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर मान लीजिए इतने बड़े पेजेस का मतलब ये होता है कि एक एक पेज पे कई कई लाख लोग जुड़े होते हैं, तो अब 678 पेज अगर हटाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पे करोड़ों लोग रहे होंगे, एक करोड़ लोग न, एक करोड़ 50 लाख लोग कुछ न कुछ तो रहे होंगे, तो इसका असर तो होगा। और अगर असर न होना होता तो ये हटाया भी न जाता। लेकिन वही है कि हम फिर कहेंगे कि अगर फेसबुक ने वाकई इसलिए किया है कि उसमें गलत चीज़ें दिखाई जा रही थी, तो फिर ये बहुत अच्छा कदम है। और जो लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि कम से कम फर्जी चीज़ें उसमें नहीं डालनी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं पोस्ट करनी चाहिए,
क्योंकि बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से हमारा जो यंग हमारी जनरेशन है, वो फेसबुक की बातों पर यकीन करती है, वहाँ से वो मटेरियल लेती है। तो इसलिए अगर आप गलत चीज़ वहाँ पे पेश करते हैं तो उसकी जद में न सिर्फ ये कि हमारे बच्चे, किसी के बच्चे भी आ सकते हैं। हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो हम कैसे ये मान लें कि ये चीज़ हमारे बच्चों तक नहीं पहुँचेगी, वो हमारे बेटों तक पहुँच सकती है, हमारी बेटियों तक पहुँच सकती है, बहन तक पहुँच सकती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो पोस्ट की जाए वो बहुत पॉजिटिव हो और सच्ची हो, ताकि उससे सबक ले सकें। अगर फर्जी चीज़ पोस्ट की जाएगी, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो, एक सच्ची चीज़ पेश करें, ताकि हमारा ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसका सही इस्तेमाल हो सके। मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। खुदा हाफिज़।